आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट पर बोले डीजीपी, हमने 24 घंटे के अंदर केस सुलझाया, आतंक माफिया और ड्रग्स चुनौती। भारत में ओमिक्रॉन तेजी पर बढ़कर 415 हुए मामले। तिहाड़ जेल में एक और कैदी ने तोड़ा दम, पिछले 8 दिनों में 5 कैदियों की हुई मौत। ₹5,400 लाल गुब्बारों से सुदर्शन पटनायक ने तैयार की सेंटा क्लॉज की विशाल कलाकृति। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने वालों से 2 दिन में वसूला गया 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। मिर्जापुर में कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपील की, जिसके बाद चुनाव होने नहीं होने पर बहस छिड़ गई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि चुनाव को लेकर आयोग फैसला करेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के जिस प्रकरण में पिछले कई महीनों से लगातार पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आंदोलनरत थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस विषय का समाधान निकालते हुए आदेश पारित किया है और आरक्षण की जो विसंगति हुई थी उसका समाधान किया है। और आज ही से जो हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो इस विसंगति के कारण प्रभावित हुए थे, उनके भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सरकार के इस कदम के लिए मेरी पार्टी अपना दल की ओर से हृदय से अभिनंदन करती हूं और उनको आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पिछड़ा और दलित वर्ग के अभ्यर्थी थे जो इस विसंगति के कारण जिनका भविष्य अंधकार में था, सरकार ने आज उनके साथ न्याय किया है। हम सरकार के बहुत आभारी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को भी मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इस मामले के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए पिछड़ा वर्ग के आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया है। देखिए, मैंने इस विषय को एक लंबे समय से निरंतर, अब 1.5 साल हो गया है, मैं निरंतर इस विषय पर बातचीत कर रही थी हमारे सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी, उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया के साथ भी, और एक सकारात्मक रुख ही रहा सभी हमारे बीजेपी के टॉप लीडरशिप का भी और सरकार के शीर्ष स्तर पर भी। समय ज़रूर लगा लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने इस पूरे विषय के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और आज इसका समाधान निकालते हुए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ। ये विषय काफ़ी लंबे समय से, 1.5 साल से लटका हुआ था और छात्र आंदोलन कर रहे हैं आज लगभग 5 महीने से। समय लगा है, इसमें कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन अंत भला तो सब भला, सरकार ने इस विषय का निस्तारण किया है। मैं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निरंतर इस बात के लिए आश्वस्त भी कर रही थी कि हमारी बातचीत सरकार के स्तर पर हुई है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस विषय को लेकर गंभीर है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस मामले को हल किया है। देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है तो हम सभी को जो हमारे इस ओमिक्रॉन का जो ये नया वेरिएंट आया है कोरोना का, जहाँ तक इससे बचाव की बात है तो जो हमारे स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, हमारे एम्स के डायरेक्टर ने 2 बातें कही हैं जो हमारी सरकार भी बार बार कह रही है कि 2 ही तरीके हैं, एक जो हमारा कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसका हम पालन करें और दूसरा वैक्सीनेशन जिसने भी नहीं कराया है वो कराए। ये ओमिक्रॉन से या किसी भी अगला जो कोई नया वेरिएंट अगर आए तो उससे बचाव के यही तरीके हैं, लेकिन चुनाव करना है नहीं करना है ये चुनाव आयोग ने तय करना है। हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन जो ओमिक्रॉन का जिस तरीके से उसका उसके बारे में जो विशेषज्ञों की राय आ रही है कि शायद फरवरी में तीसरी लहर आ सकती है, मुझे लगता है कि ये फैसला चुनाव आयोग ने करना है और हम सब।
औरैया में जन विश्वास यात्रा को लेकर जिला पंचायत सदस्य पति और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की है। इस दौरान राजकुमार दुबे ने जनता से अपील करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जनता जनार्दन से ये अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो 26 तारीख को जन विश्वास यात्रा आ रही है, उसमें सभी लोगों से निवेदन है कि बहुत भारी संख्या में इस यात्रा में आप लोग पधारें और इस यात्रा को सफल बनाएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के बीच में विश्वास है वो और मजबूत होगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस यात्रा में जरूर पधारें। धन्यवाद। खबर बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा छतारी से है, जहां कांग्रेस की युवा और किसान पंचायत में जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में परिवर्तन तय है। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसान, युवाओं और मजदूरों को छला है, लेकिन इस बार युवा और किसान भाजपा से हिसाब करेंगे। इस दौरान अभिनेत्री अर्चना गौतम ने महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और भाजपा को भगाने का आह्वान किया। खबर सोनभद्र से है, जहां अटल युवा संकल्प यात्रा निकाली गई। सोनभद्र के बीजपुर एनटीपीसी के स्वागत से बाइक रैली झंडी दिखाकर रवाना की गई। ये रैली नेमना, चेतवा, चपकी, बवनी होते हुए म्योरपुर जाएगी। यहां पर इसका समापन होगा। इस रैली को भाजपा पिछड़ा मोर्चे के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह सुरेंद्र सहित अन्य नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बताइए, जो अभी यात्रा निकाली गई है, इसका क्या उद्देश्य है? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती समारोह पे सभी मंडलों से बाइक यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसको हरी झंडी देकर बीजपुर स्वागत गेट से लेके जरहा, नेमना, चतवा, इंजानी होते हुए बबनी तक जाएगी और बबनी के बाद म्योरपुर में जाकर यात्रा का समापन होगा। हम लोगों ने, सभी बीजेपी के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखा के यात्रा का शुभारंभ किया। ये क्या पूरे मंडल, पूरे सोनभद्र में हर किया जाए, पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में? खबर लखीमपुर खीरी गोला के बिजुआ ब्लॉक ग्राउंड सोनीपुर पीरा के अमृतापुर से है, जहां पे दो दिन पहले राशन बांट रही महिला कोठेदार शिल्पी देवी पर गांव के दबंगों ने अचानक हमला करके असलहे की नोक पर महिला कोठेदार शिल्पी देवी वर्मा से जबरन कमीशन की मांग नहीं पूरी होने पर शिल्पी देवी और उनके पति को लाठी डंडों से पीटा, बल्कि राशन बांटने वाली सरकारी मशीन को भी तोड़ दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले पर पीड़ितों का कहना है कि हमलावरों में एक युवक ग्राम प्रधान का भतीजा है। ये जो मतलब लफड़ा हुआ है, ये किस वजह से हुआ? कोटा की वजह से। तेज बोलो थोड़ा। राशन की वजह से। क्या बता रहे थे वो? बता रहे थे कि अगर मतलब ग्राम सभा में रहना है तो सहना है, और दबंगई करके मतलब कोटा अपना हासिल करना चाहते हैं, यहाँ से हटवाना चाह रहे हैं कोटा। अच्छा। प्रधान ने मतलब ये बताया है कि कमीशन मांग रहे हैं। कमीशन मांग रहे हैं। अच्छा, तमंचा लेके कौन आया था? सतीश सिंह। सतीश सिंह जी। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर किसी ने बयान दे दिया तो उसको जान। तो दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी से ये खबर सामने आई है, जहां महिला कोटेदार को लाठी डंडों से पीटा गया है। ये खबर लखीमपुर खीरी गोला के विजुआ ब्लॉक गांव सोन पीपर के अमृतापुर से है, जहां पे दो दिन पहले राशन बांट रही महिला कोटेदार शिल्पी देवी पर दबंगों ने हमला किया। असलहे की नोक पर महिला कोटेदार शिल्पी देवी वर्मा से जबरन कमीशन की मांग नहीं पूरी होने पर शिल्पी देवी और उनके पति को लाठी डंडों से पीटा, बल्कि राशन बांटने वाली राशन मशीन को भी तोड़ दिया गया, और इसका वीडियो वायरल भी हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया, मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले पर पीड़ित का कहना है कि हमलावरों में एक युवक ग्राम प्रधान का भतीजा है, जिसकी वजह से उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
तो महिला कोठेदार को पीटने का ये मामला आया है और सिर्फ महिला कोठेदार को ही नहीं उसके पति को भी जमकर पीटा गया है। दबंगों की दबंगई देखने को मिली है लखीमपुर खीरी से, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। महिला कोठेदार की जमकर पिटाई करी है कमीशन न मिलने पर। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता धीरज जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। धीरज, दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है, महिला पे भी हाथ उठा रहे, लाठी डंडे चला रहे, क्या कहेंगे इस पे? धीरज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो दबंगों की दबंगई चरम पर दिखाई दे रही है लखीमपुर खीरी से, यह घटना सामने आ रही है। महिला कोठेदार और उसके पति पर जमकर लाठी डंडो बरसाए गए हैं, इसकी वीडियो भी अब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया, शिकायत दर्ज करी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज जुड़े हुए हैं। धीरज, दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? महिला पे जिस तरह से लाठी डंडे बरसाए गए हैं, किसी का डर नहीं लग रहा है इन दबंगों में? देखिए, बिल्कुल बता दूं, लखीमपुर खीरी में दबंग जो है पूरी तरह से जो है हावी है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करे हुए हैं। कहीं पे भी पुलिस का कोई भी दबाव नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो ब्लॉक क्षेत्र में जो वीडियो वायरल हो रहा है, महिला की जमकर पिटाई की गई है, वहीं पर पूरी तरीके से जो अवैध नाजायज असलाह भी निकाल के हवा में लहराया गया है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी में जो दबंग है वो पूरी तरीके से हावी है, कहीं ना कहीं पे पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही सामने आ रही है। धीरज, हमलावरों में एक युवक ग्राम प्रधान का भतीजा बताया जा रहा है, क्या इसीलिए मामला दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस द्वारा? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं पे ग्राम प्रधान का नाम आने के कारण पुलिस जो है कतरा रही है कई अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए। प्रशासन पे कहीं ना कहीं से दबाव बना हुआ है स्थानीय पुलिस पे, जिस तरीके से दबंगई दिखाई दे रही, उस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो बाकायदा मुकदमा दर्ज करके अरेस्टिंग हो सकती है कानूनी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे कहीं ना कहीं से दबाव है, जिस तरीके पुलिस जो है इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रही। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज तिवारी जुड़े थे लखीमपुर खीरी से। वही अब अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेखपुरा निवासी श्यामलाल की लाश दो दिन पहले हाईवे के पास पड़ी हुई मिली थी, जिसके बाद पुलिस तुरंत जांच में जुट गई थी। और सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र में पांचों रिपोर्ट में दोनों अभियुक्त के एक साथ काम करते थे। पुलिस ने 48 घंटे में हत्या का खुलासा करा है और काम को लेकर हुए विवाद में युवक को गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आई है। देखिए, थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र का रहने वाला, थापुल गांव का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसकी की 21 तारीख को गांव ये फतेहपुर क्षेत्र में जो हाईवे के किनारे इसकी डेड बॉडी मिली थी, इस पर थाना फतेहपुर में अभियोग पंजीकृत कर इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा टीमों का गठन कर इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए बोला गया था, और इसमें हमने इसको दो दिन के अंदर इसको हमने सॉल्व करके थाना फतेहपुर पुलिस ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। उसी में ये निकल के आया है कि इनको जो ये मृतक था, ये इसकी एक राकेश नाम के व्यक्ति से, जो कि पेंचों में ही इसके साथ काम किया करता था, और 6 महीने पहले इसको निकाल दिया गया था, जो एक्यूज जो इसमें है, तो ये रंजिशन मृतक से रंजिश रखता था, और उसी रंजिश के कारण इसने 21 तारीख की रात को उसको हाईवे के पास ले जाकर और बात करने के बहाने ले गया था, और वहाँ पर जो है उसको गोली मार दी, जिससे कि वही। अब खबर लखीमपुर खीरी के निघासन और नीम गांव कोतवाली से है, जहां अलग अलग हुए दो लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। दोनों ही किसानों को धारदार हथियार और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है, जहां एक तरफ घर के बाहर सो रहे शिवकुमार मौर्य की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान ने खेत पर ही उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी।
खबर चंदौली इलिया थाना क्षेत्र के बेराव गांव से है, जहां पे विवाद के चलते 36 घंटे के बाद तक नहीं दफनाया गया वृद्ध मुस्लिम का शव, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और उनकी मौजूदगी में शव को दफनाया गया। क्योंकि गांव के कब्रिस्तान में मुस्लिम धोबी का शव नहीं दफनाने दे रहे थे। अंसारी बिरादरी के लोग शव दफनाने को लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है, जिसको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर शव दफनाने में कोई भी बाधा बनेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो चंदौली से ये बड़ा मामला सामने आया, जो 36 घंटे के भीतर भी मुस्लिम व्यक्ति का शव दफनाने नहीं दिया गया, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को दफनाया गया है और उन्होंने सख्त लहजे में इस बात को कहा है कि अगर कोई बाधा पैदा करता है किसी के अंतिम संस्कार में दफनाने में तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से ये खबर सामने आ रही है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके हैं चंदौली से। अजीत, क्या वजह थी जो शव को दफनाने नहीं दिया जा रहा था? उसको दफनाने के लिए कितने परिजनों वहां पर हड़ताल पर कर दिए और रोड पर जाम कर दिए, कहें कि नहीं दफनाया जाएगा। उसमें विवादित बयान भी आया कुछ प्रशासन के, अथवा विवादित बयान तो प्रशासन कुछ लोग को समझाई तब भी कुछ लोग नहीं माने, फिर अपने अनुशासन के अथवा पर दबाव डालकर उसको दफनाया गया बाद में। जी, तो क्या पहले भी इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं? तमाम खबरें मतलब कि कई दिन से चल रहा था, जिसके वो मतलब कि कई बार समझाया गया फिर लोग नहीं मान रहे थे ऐसे विवाद को, तो फिर वहाँ पर प्रशासन पहुंची और समझा बुझा कर मामले को शांत कराई। जी, क्या चेतावनी दी गई है प्रशासन के द्वारा? अभी चेतावनी यही दी गई है कि कोई अपने में भगदड़ न करे और मिलजुला के अपना रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत पाठक जुड़े थे चंदौली से। खबर बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के नगला बंशी गांव से है, जहां बीजेपी विधायक विमला सोलंकी के करीबियों पर मंदिर की जमीन को कब्जाने का आरोप लगा है। इस दौरान लोगों ने सालों पुराने मंदिर पर रखी राधा कृष्ण की मूर्ति को खंडित करके झाड़ियों में फेंक कर आग लगाने का आरोप लगाया और सैनिकों ने प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान ग्रामीणों के साथ पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। हमीरपुर जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 35 किलो गांजे के साथ एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। इस गांजे की कीमत बाजार में 1 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। इतनी भारी तादाद में गांजा मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। आज हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना और मौदहा थाने में 2 गांजा सप्लायर पकड़े गए हैं। इनमें एक महिला है, एक राजेंद्र शिवहरे और एक मल्लिका, ये 2 लोग पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद हुआ है। इस बारे में ज्ञात हो रहा था कि बहुत पहले से ये गांजा सप्लाई का काम करते हैं, बाहर से लाते हैं और यहां पे सप्लाई करते हैं। अभी सूचना संकलित करते हुए SOG की टीम और संबंधित थानों की पुलिस द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है। रहे हैं 1 लाख की कीमत से ऊपर का ये गांजा बताया जा रहा है। 35 किलो गांजा बरामद किया गया है, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमीरपुर से ये खबर सामने आ रही है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ब्रिजेश ओझा जुड़ चुके हैं हमीरपुर से। ब्रिजेश, बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये आपको बताना चाहूंगा कि हमीरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पे सुमेरपुर थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने सुमेरपुर कस्बे के फैक्ट्री एरिया में एक बाइक सवार युवक के कब्जे से 25 किलो गांजा बरामद किया है। साथ ही
सुमेरपुर के अलावा सुमेरपुर से सटे मौदहा कोतवाली पुलिस ने भी एक महिला के कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद किया है। जी ब्रिजेश, क्या ये दोनों पुरुष और महिला पति पत्नी थे या फिर किसी गिरोह के सदस्य? ये पति पत्नी नहीं है, ये एक गिरोह है, इनका बहुत बड़ा गिरोह है। जिले में बड़े पैमाने पे गांजा का कारोबार फल फूल रहा है, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके बावजूद भी ये गांजा का अवैध कारोबार थमने का भी नाम नहीं ले रहा। जी जी, तो ब्रिजेश, इनके गिरोह के ठिकाने का कुछ पता चला है और इनके बाकी जो गिरोह के सदस्य हैं उनका पता लगाने के लिए पुलिस क्या एक्शन ले रही है? पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इनके गिरोह को जल्द ही भंडाफोड़ किया जाएगा और पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दूं कि हमीरपुर जिले में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बड़े पैमाने पे गांजा आता है और यहाँ इसकी सप्लाई करी जाती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ब्रिजेश ओझा जुड़े थे हमीरपुर से। देवरिया में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का तीसरा दिन है। यात्रा की अगवानी सांसद हरीश द्विवेदी कर रहे हैं, वहीं उनके साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी मौजूद थे और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। वहीं यात्रा देवरिया जनपद के बैतालपुर गौरी बाजार होते हुए गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम में प्रवेश करेगी। जाता है कि इस रेड से कौन लाल हो रहा है, लेकिन वो कितना भी लाल होते रहे, जो अकूत धन संपदा उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से लूट करके समाजवादी पार्टी ने अपने शासन काल में इकट्ठा की है, हम उस पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इनकम टैक्स के पास पुख्ता प्रमाण होते हैं, इनपुट होता है, तो उसके आधार पर वो कार्रवाई करते हैं, उसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों को चुनाव की आड़ में ये छूट नहीं दी जा सकती है कि वो अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियों को चुनाव में लगाने का काम करें। ये रैली आज ये देवरिया जनपद में, आज तीसरा दिन है देवरिया जनपद में होते हुए, आज ये कौड़ीराम में जाकर के विश्राम करेगी। ये आज यात्रा के 7 दिन हुए हैं, उन 7 दिनों में जिस प्रकार का अभूतपूर्व जनसैलाब दिखाई पड़ रहा है, गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जिस प्रकार से उमड़ रहे हैं और जन विश्वास यात्रा को अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्यार दुलार दे रहे हैं, स्पष्ट हो गया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 2017 से एक खबर सहारनपुर से है, जहां थाना गंगोह पुलिस ने अवैध नशे का काला कारोबार करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान 27,600 टैबलेट और 3,400 नशे के कैप्सूल बरामद किए हैं, जिनके साथ ही नशे की दवाइयां लेने पहुंचे अभियुक्त को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए SP ने बताया कि सहारनपुर में नशे का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चेकिंग के दौरान हरियाणा से सहारनपुर नशे की दवाइयां लेने पहुंचे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जो अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्ति और अवैध नशे के ऊपर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कल गंगो पुलिस को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है, जिसमें ये चेकिंग के दौरान ये एक अभियुक्त मनीष, जो कि ये थाना इंद्री करनाल जिले का हरियाणा से यहाँ पर आया हुआ था, और इसको जब इसको रोक कर चेकिंग की गई तो इसके पास से 1200 गोलियाँ जो हैं अल्प्रा सेफ की मिली, जो कि एक शेड्यूल्ड NDPS में ड्रग है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये कस्बे में ही मोहल्ला छत्ता पड़ता है, वहाँ पर एक चौधरी मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर रवि नाम के लड़के से ये गोलियाँ खरीदता है। तो इसमें पूरी टीम बनाकर जो है उस पर छापा मारा गया उसकी दुकान पर, जहाँ से कि हमें 27,000 जो है एल्प्राजोलाम की टैबलेट्स मिली हैं, 3400 पेरिकॉन कैप्सूल और कुछ अलग कैप्सूल्स मिले हैं, जो कि वो भी इसमें NDPS के अंडर शेड्यूल ड्रग में आते हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।